इक्वेटोरियल 14 मेरिडियन होते हैं, जिसमें एक आगे मिड लाइन में होता है जिसे हम रेन मेरिडियन बोलते हैं, और एक पीछे हमारे स्पाइन के ऊपर होता है जिसे हम डीयू मेरिडियन बोलते हैं, या उसी को गवर्निंग वेसल मेरिडियन भी कहते हैं। जैसे कि इस चार्ट से क्लियर है कि जो हार्ट मेरिडियन होता है वो हमारे यहाँ एक्जिला से स्टार्ट होता है, यानी आर्मपिट से स्टार्ट होता है। हमारे जितने भी यिन मेरिडियन होते हैं वो पैर के तलवे से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे पैर के तलवे से किडनी मेरिडियन स्टार्ट होता है, और वो किडनी मेरिडियन हमारे चेस्ट में खत्म होता है, फिर वही हार्ट मेरिडियन बनकर एग्जिला से स्टार्ट होता है और हमारे फिंगर टिप से एग्जिट हो जाता है। तो एग्जिला पर इसका जो पहले नंबर का बिंदु है उसे हम बोलते हैं हार्ट 1। यहां से एक्सिलरी आर्टरी गुजरती है और ये हार्ट का एंट्री पॉइंट है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट। अगर हम इसको एक्यूप्रेशर भी करते हैं तो अगर सडनली किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, आप थोड़ा सा पाउडर या तेल लगा के अच्छी तरह से 2 मिनट यहाँ पर मसाज कर दो। 2 मिनट के बाद कोई भी पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरा सिर दर्द चला गया। तो दिस इज वेरी वंडरफुल पॉइंट, जस्ट यू डू मसाज, हार्ट बन के ऊपर मसाज कर दीजिए अच्छी तरह से, तो आप पाएंगे कि उसके सिर का दर्द कम हो गया, माइग्रेन पेन कम हो गया और ब्लड प्रेशर भी इससे काम डाउन हो जाता है। सो ये जब भी हम हार्ट वन पर इस तरह से एक्यूप्रेशर करते हैं तो जो गले की प्यास भी कम होती है, और पसीना आना, जो कई लोगों को आर्मपिट में ज्यादा पसीना आता है, उसमें भी फायदा मिलता है। इस तरह से हम हार्ट वन को ट्रीटमेंट देते हैं। इस पर हम निडल लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभाल के लगानी होती है। यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी आती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम इस पॉइंट को एकदम से निडल लगाते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख के निडल लगाते हैं। ये हमारे पूरे अपर आर्म में ट्रेवल करता हुआ कोहनी तक जाता है, और उसके बाद कोहनी से होता हुआ ये हमारे लोअर आर्म में जाता है। तो इस तरह से पूरे हाथ को ट्रेवल करता हुआ फिर ये स्मॉल फिंगर के पास खत्म हो जाता है। तो ये रूट है हमारे हार्ट मेरिडियन का, जैसे कि इस पिक्चर में क्लियर है। हार्ट मेरिडियन स्टार्ट होता है हमारे आर्मपिट से हार्ट 1 के रूप में, और खत्म होता है हमारी छोटी उंगली यानी स्मॉल फिंगर पर, जैसे कि इस इमेज में क्लियर है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहां से अगर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, इस ये है हार्ट 2, जिसे हमने येलो कलर से यहाँ पर शो किया है। ये हार्ट 2 पॉइंट है। अगर हम देखें हमारा एक्जिला से कोहनी की जो टोटल लंबाई और दूरी होती है वो 9 चुन की होती है। अगर हम एक्जिला से 6 चुन की दूरी पर जाते हैं तो हमें हार्ट 2 पॉइंट मिलता है, या कोहनी से हम 3 चुन पहले आ जाते हैं तो हमें हार्ट 2 पॉइंट मिल जाता है। ये हार्ट 2 पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम हार्ट 2 पॉइंट्स पर सिर्फ टैपिंग करते हैं ऐसे, तो ये टैपिंग करने मात्र से ही ब्लड प्रेशर काम डाउन होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो हार्ट 2 पॉइंट्स इज वेरी वंडरफुल फॉर ब्लड प्रेशर। तो अगर कभी भी आपको लगे कि किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आप उसके हार्ट 2 के पॉइंट के आसपास जेंटल मसाज करके उसके ब्लड प्रेशर को आप काम डाउन रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हार्ट 2 पॉइंट हो गया, जो हमारे एक्जिला से 6 चुन की दूरी पर है, या जो कोहनी से 3 चुन पहले है। तो इसके बाद अब हम अगले बिंदु की तरफ प्रोसीड करेंगे। वो हमारा जो अगला बिंदु है उसका नाम है हार्ट 3। हार्ट 3 हमारे कोहनी पर पाया जाता है। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर हमारे कोहनी पर हार्ट 3 पॉइंट की लोकेशन है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोहनी पर जो भी बिंदु पाए जाते हैं उन्हें हम वाटर पॉइंट्स या हीसी पॉइंट बोलते हैं। तो ये यिन मेरिडियन का वाटर पॉइंट है और हीसी पॉइंट है, ये हार्ट मेरिडियन का हीसी पॉइंट है। यहाँ पर विशाल मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है। तो जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं
ये हार्ट को रिलैक्स करता है, हमारी मन को शांत करता है, क्योंकि हार्ट हमारी माइंड से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। हार्ट की गर्मी को निकालता है, और क्योंकि हार्ट का वाटर पॉइंट है। इस तरह से हार्ट थ्री पॉइंट के बहुत सारे यूज हैं, जैसे कभी भी किसी को चेस्ट में पेन हो, और हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि जब भी हम तीसरा और पांचवा बिंदु लगाते हैं तो पूरा मेरिडियन रिलैक्स हो जाता है, तो ये पांचवा बिंदु है, यानी हिसी पॉइंट हार्ट मेरिडियन का। तो इस तरह से ये हमारा अगला बिंदु है, यहाँ पर भी हम आधा चुन से एक चुन तक निडल बड़े आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस बिंदु का प्रयोग हम मुख्य रूप से अपने मन को, हृदय को, मस्तिष्क को स्थिर लाने करने में, स्टेबलाइज करने में करते हैं। अब कोहनी में है इसलिए कोहनी के दर्द को तो कम करेगा ही, कोहनी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ ठीक से नहीं उठा पाता है, उसे हाथों में शोल्डर में पेन होता है, तो हम इस बिंदु को दबा के, जब हम इस बिंदु को दबाते हैं तो ये हार्ट वन से भी लॉक खुलता है, तो उसका हाथ ऊपर उठना चालू हो जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है हार्ट फोर। हार्ट फोर, अब हम देखेंगे अगर हम हार्ट थ्री से एक लाइन खींच दें हार्ट सेवन तक, तो हार्ट सेवन से लेके हार्ट फोर ये सारे पॉइंट आधा आधा चुन की दूरी पर हैं, यानी हार्ट सेवन, उससे आधा चुन पहले हार्ट सिक्स, उससे आधा चुन पहले हार्ट फाइव, और उससे आधा चुन पहले हार्ट फोर। तो ये हमारे चार बिंदु हैं जो आधा आधा चुन की दूरी पर हैं, जिसमें सबसे ऊपर येलो कलर से जो दिख रहा है इसका नाम है हार्ट फोर। ये हमारे हार्ट मेरिडियन का रिवर पॉइंट है। रिवर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिस पर काफी मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है, और रिवर पॉइंट को भी हम एक्टिवेट करके उस पूरे मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा जो रिवर पॉइंट है, और ये भी हमारे हार्ट की कमजोरी को, वीकनेस को, हाथों की कमजोरी को, वीकनेस को दूर करेगा। और चूंकि हार्ट से कनेक्टेड है, तो किसी को बहुत एंजाइटी के कारण अगर ट्रिमर्स आते हैं तो ये उस पर भी काम करता है। मुख्य रूप से हम रिवर पॉइंट का प्रयोग किसी भी मेरिडियन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब इसके आधा तो चुन पहले सारे पॉइंट से आप देख सकते हैं, हार्ट फोर के आगे हमारा है, ये हार्ट फोर है, और इसके आगे हमारा है हार्ट फाइव। तो ये हमारा हार्ट फाइव पॉइंट है, कि हार्ट फाइव लियो पॉइंट है, और लियो पॉइंट हम जानते हैं, लियो पॉइंट मतलब वो बिंदु होते हैं जो डोनर होते हैं, जो किंग होते हैं, और जो एनर्जीज को डोनेट करते हैं। तो कभी भी किसी के हार्ट मेरिडियन में एक्सेसिव ऊर्जा हो गई है तो हम हार्ट फाइव की तरह एनर्जी को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब किसी के हार्ट मेरिडियन में एक्सेसिव एनर्जी हो जाती है तो उसकी आवाज जाने लगती है, तो हम हार्ट पॉइंट फाइव के द्वारा, यानी इस लियो पॉइंट के द्वारा, इस किंग पॉइंट के द्वारा उसकी आवाज को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हार्ट फाइव को बहुत अच्छा माना गया है पॉइंट, जब किसी को सडनली उसकी वॉइस चली जाए उसके लिए बहुत ही अच्छा बिंदु इसको माना गया है। ये हमारी स्पीच को प्रिवेंट करता है, ये हमारी आवाज को अच्छा करता है, और हमारे हार्ट की भी रक्षा करता है, हार्ट की धड़कन को भी बैलेंस करता है। तो हार्ट फाइव इज ए वेरी वंडरफुल पॉइंट। तो जब भी आप किसी को भी स्पीच का ट्रीटमेंट देते हैं तो हार्ट फाइव को ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। जब किसी की जीभ कड़क हो जाती है, कड़ी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते हैं, तो अभी हम हार्ट फाइव पॉइंट का यूज करके उसकी आवाज को अच्छा कर सकते हैं। जनरली जब कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है और आप देखें उसकी जीभ कड़क है, उठ नहीं रही है, ठीक से आवाज नहीं निकल रही है, तो अभी आप हार्ट फाइव का यूज कर सकते हैं। सो इट इज सो वंडरफुल पॉइंट। सो दिस इज द हार्ट सिक्स पॉइंट। ये हार्ट सिक्स पॉइंट हमारे रिस्ट से ठीक एक चुन, क्योंकि रिस्ट पर हमारा हार्ट सेवन है, उससे आधा चुन पहले हार्ट सिक्स ना पॉइंट पाया जाता है। हार्ट सिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हम बोलते हैं जी क्लेफ्ट पॉइंट। मुझे याद है कि एक पेशेंट मेरे पास बहुत समय पहले आया था और सडनली उसकी हार्ट बीट कम हो गई थी। जनरली हमारी हार्ट की बीट 72 पर मिनट होना चाहिए, लेकिन उसकी हार्ट बीट घट के कुछ 60 के आसपास हो गई थी, 58 के आसपास। तो वो डॉक्टर ने उसे कहा कि हमें पेसमेकर डालना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट बीट डे बाय डे, मंथ बाय मंथ उसकी कम होती चली जा रही थी। यानी हार्ट की धड़कन
जो 72 होना चाहिए वो घट के 58 हो गई थी। तो हमने उसको हार्ट 6 पॉइंट पर उस समय ट्रीटमेंट दिया था। तो हमने हार्ट 6 पॉइंट पर ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट के बाद हमने इस पर एक मैग्नेट लगा दी थी, स्टार मैग्नेट, क्योंकि पेशेंट ने कहा कि हम आपके पास रोज रोज नहीं आ पाएंगे। तो उसके बाद जब वो हमें एक महीने के बाद मिला तो उसने कहा कि वो एक मैग्नेट से हमारी हार्ट की बीट नॉर्मल हो गई। हार्ट 6 पॉइंट इज द पॉइंट, इसे हम बोलते हैं जी क्लेफ्ट पॉइंट। जी क्लेफ्ट पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो हमारे पूरे, जिनका यूज हम एक्यूट इमरजेंसी में करते हैं, एक्यूट इमरजेंसी। तो ये एक्यूट इमरजेंसी है कि किसी की हार्ट रेट कम होती जा रही है। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, अगर आपको लगता है कि उसको हार्ट की कोई भी इमरजेंसी है, तो आप H6 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि H6 पॉइंट जी क्लेफ्ट पॉइंट है और जी क्लेफ्ट पॉइंट का मतलब है ये हार्ट में इमीडिएटली काम करेगा और हार्ट को एकदम से सिक्योर कर देगा, हार्ट की फालतू की ऊर्जा को हटाकर एकदम से बैलेंस कर देगा। तो कभी किसी को बहुत तेज धड़ पाल्पिटेशन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, जी क्लेफ्ट पॉइंट ठीक कर देगा। कभी किसी के हार्ट में गर्मी बढ़ गई और वो पागलपन जैसी हरकतें करने लगा, जैसे हिस्टीरिया के पेशेंट होते हैं, एकदम से चीजों को फेंकने लगा, पागलपन का दौरा पड़ गया, तब भी आप हार्ट 6 पॉइंट की तरह उसके हार्ट को रिलैक्स कर सकते हैं। कभी किसी का हार्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया उसको और वो एकदम रेस्टलेसनेस है, तब भी आप हार्ट 6 का प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट 6 पर बहुत ज्यादा निडल हम नहीं लगाते, क्योंकि बस आधा चुन या उससे भी कम निडल लगा के भी हम काम कर लेते हैं। इवन हम इस पर स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला बिंदु है वो है हार्ट 7। हार्ट 7 पॉइंट ठीक हमारे रिस्ट पर पाया जाता है। यहाँ पर जहां पर हार्ट 7 की लोकेशन होती है वहां पर हमारी एक बोन होती है उसके नीचे, जिसका नाम है पिशी फॉर्म बोन। तो ये उसके ऊपर पाया जाता है। इसी को हम स्प्रिट गेट भी बोलते हैं, यानी आत्मा का दरवाजा। हार्ट 7 के द्वारा हम आत्मा के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, मन को, मस्तिष्क को, आत्मा को रिलैक्स कर सकते हैं। हार्ट 7 इज ए वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर ऑल द पर्सन जिनको भी कोई भी तरह का सैडनेस है, डिप्रेशन है, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ मैनी इमोशनल अप्स एंड डाउन हो रहा है, बहुत दुखी हैं, या जिनको मानसिक रूप से कुछ बार बार पागलपन हो रहा है और कोई इरिटेबिलिटी है, किसी चीज को भूल रहे हैं बार बार, यानी इस तरह की कोई भी इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम हो, तो हम हार्ट 7 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई किसी को चेस्ट पेन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तब भी हम हार्ट 7 का प्रयोग कर सकते हैं। तो हार्ट 7 इज ए वेरी गुड पॉइंट। जनरली हम इसको लगाते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट आके कहता है कि उसको इनसोम्निया है, वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो भी हम उसके इमोशन को बैलेंस करने के लिए हार्ट 7 पॉइंट का यूज करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला बिंदु आता है हार्ट मेरिडियन में, इसका नाम है हार्ट 8। जो हार्ट 8 पॉइंट होता है ये हमारे ठीक ये हृदय रेखा के ऊपर होता है। आप देखें ये येलो मार्क है यहाँ हमारी हथेली में। अगर मैं उंगलियों को ऐसे मोड़ूं तो जहां पर मेरी स्मॉल फिंगर टच करती है ये हार्ट 8 की लोकेशन है। तो हार्ट 8 जो पॉइंट होता है, अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है और आप बस हार्ट 8 पॉइंट के ऊपर दवा है तो वी दो